उन्होंने किस तरीके से कैदियों को यहाँ पे रखा था, आप सोच भी नहीं सकते। बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है इस जेल से, देख सकते हैं आप। इम्पॉसिबल था इसका कोई ताला खोल सके, वहां से लेके यहाँ तक हाथ नहीं पहुंचे। दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको हाफ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था, 24 घंटे में आधा लीटर पानी। तो यहाँ पे फांसी दी जाती थी कैदियों को, ये जेल से कोई नहीं भाग सका। इस वाले जेल को नेशनल मेमोरियल की तरह आज के टाइम में रखा गया। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे एक और नई वीडियो में, और आज की वीडियो में आपको लेकर जा रहा हूँ पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल, जिसे कालापानी जेल भी कहा जाता है। तो इस जगह का क्या इतिहास है, क्या यहाँ की टाइमिंग्स हैं, टिकट प्राइस है, लोकेशन है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और चैनल पे अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। तो गाइस हम आ गए हैं सेलुलर जेल, और इसकी लोकेशन है अटलांटा पॉइंट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। आप ये बस लेके यहाँ तक आ सकते हैं, इसके अलावा ये ऑटो भी आप यहाँ तक लेके आ सकते हैं। अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आते हैं तो ये जगह तो आपको जरूर देख के जानी चाहिए। तो सेलुलर जेल के अंदर जाने से पहले आपको टिकट लेनी पड़ेगी, टिकट आपको वहाँ सामने से लेनी होगी और एंट्री यहाँ से होगी टिकट को दिखा के। तो टिकट काउंटर यहाँ सामने है, टिकट प्राइस यहाँ के क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइमिंग्स फॉर नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल, मॉर्निंग 9 AM टू 12:30 PM, लंच ब्रेक 12:30 PM टू 1 PM, इवनिंग 1 PM से लेके 4:45 PM तक ये खुला रहेगा। एंट्री टिकट्स विल बी इशूड अप टू 4 PM। ये जो जेल है ये 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर के दिन बंद रहेगा। एंट्री टिकट होगी 30 रुपये की, वीडियो कैमरा और हैंडी कैमरा नॉन प्रोफेशनल के 200 रुपये, वीडियो कैमरा हैंडी कैमरा प्रोफेशनल के 1000 रुपये, फिल्म शूटिंग के 10,000 रुपये के चार्जेस होंगे। और आप यहाँ लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हैं 5:30 बजे के बाद, उसकी क्या डिटेल्स है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। उसकी वैसे 300 रुपये की टिकट होती है, और फ़ोन कैमरा आप अंदर लेके जा सकते हैं, उसका ऐसा कुछ नहीं कि उसके चार्जेस वगैरह। लाइट एंड साउंड शो की टिकट ऑनलाइन होगी, और जो इसकी टिकट होगी आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। यहाँ से आपको टिकट लेनी होगी, टिकट काउंटर है। तो ये हमने टिकट ले ली है 30 रुपये की, और 90 रुपये 3% के चार्जेस हैं। दूर दूर से लोग सेलुलर जेल देखने आते हैं, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है इसके पीछे। तो इस जेल को सेलुलर जेल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें एक यूनिक फीचर है, 698 सेल्स हैं सेलुलर जेल। चलिए अंदर चलते हैं, हम टिकट हमने दिखा दिए। तो ये नेशनल मेमोरियल सेलुलर जेल के गाइड फ्री स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, अगर 1 से 5 टूरिस्ट आते हैं तो 200 रुपये गाइड फी के चार्जेस होंगे। इसमें 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर आपको सबको समझा देगा। तो इस जेल के अंदर जाने से पहले आपको एक एग्जीबिशन गैलरी दिखेगी, ये देखे बिना आगे जाएंगे ना तो कुछ समझ नहीं आएगा आपको कई चीज़ें। ये नेक रिंग है और यूनिफॉर्म है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की, उस वक्त के टाइम की आप देख सकते हैं किस तरीके के होते थे यूनिफॉर्म वगैरह। ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, इनमें विनायक दामोदर सरवाकर, जयदेव कपूर, इन सब के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं फ़ोटोज़ के साथ में। ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे जो सेलुलर जेल में कैदी रह चुके हैं। और यहाँ पे सेलुलर जेल में किस तरीके से रखा जाता था आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आप यहाँ पता कर सकते हैं जेल के बारे में। देखिए हमने अभी यहाँ से एंट्री करी है, ठीक है, तो अब अंदर जाके ये सारे सेल्स जो भी हैं इस तरीके से हैं। मेरे यहाँ पे आते ही बारिश शुरू हो गई है, और ये जो सेलुलर जेल है ना, ये ब्रिटिश राज जब हुआ करता था ना तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी क्रिमिनल्स और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा था जो कि भारत की फ्रीडम चाहते थे, उनको यहाँ पे रखा था। और ये सारा मैप है सेलुलर जेल नेशनल मेमोरियल का, सारा मैप है यहाँ। एग्जीबिशन गैलरी आप देखते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे नेताजी गैलरी है, आर्ट गैलरी है, स्वतंत्रता ज्योत 1 और 2, ये सामने स्वतंत्रता ज्योत 1 और 2। और इसके अलावा यहाँ पे कई गैलरीज हैं, सेल्स वगैरह हैं जो आप देख सकते हैं। ये है स्वतंत्रता ज्योत 1, एक आगे भी है 2। ये सारी आप जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे आप आराम से बैठ के लाइट एंड साउंड शो देख सकते हैं। लाइट एंड साउंड शो से ना आपको यहाँ की हिस्ट्री का बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल जाएगा, और वो 5:30 बजे के बाद यहाँ होता है। ऑनलाइन बुकिंग उसके लिए होगी, 300 रुपये के चार्जेस होंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और ये सारे जो आप एरिया देख रहे हैं ये सारे सेल्स हैं यहाँ पर, और जो लाइट एंड साउंड शो है ना आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगा। जब ब्रिटिश राज हुआ करता था तो उन्होंने किस तरीके से कैदियों को यहाँ पे रखा था आप सोच भी नहीं सकते। क्या लिखा है, फांसी घर। अच्छा, फांसी घर भी हमको आगे देखने को मिलेगा, लिखा गैलोस। ये जो मैं आपको जगह दिखाने जा रहा हूँ ये फांसी घर है गैलोस।
तो यहाँ पे फांसी दी जाती थी कैदियों को पहले, मतलब खड़ा कर दिया जाता था और फिर इसे पीछे खींच देते थे, फांसी दी जाती थी यहाँ पे, ये ऊपर हो जाता था, ये नीचे हो जाता था, यहाँ पे बांध के रखते थे ना, और ये पूरा नीचे हो जाता था। देखते हैं आगे हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये जो मैं आपको एरिया दिखाने जा रहा हूँ ना, यहाँ पे कैदियों से बड़े तरह के टास्क वगैरह कराए जाते हैं, जैसे कि ऑयल एक्सट्रैक्शन, कॉयर पाउंडिंग, रोप मेकिंग, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पनिशमेंट दी जाती थी यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है ऑयल मिल, तो इसको इस तरीके से पकड़ के ना गोल गोल घूमते थे शायद। ये लिखा हुआ है तेल की गानी है, ऑयल मिल है ये, ऑयल ग्राइंडिंग करते थे इसमें, और साथ में एक बंदा खड़ा होता था जेल का, जो ध्यान रखता था कि सही तरीके से करें हम। ये भी ऑयल मिल का हिस्सा, ये सामने प्रिजनर्स बैठे हुए हैं, एक तरीके से मॉडल दिखाया गया कि किस तरीके से यहाँ पे प्रिजनर्स कितनी बुरी तरीके की पनिशमेंट और किस तरीके के कार्य कराए जाते थे उनसे। देखिए इस तरीके से कैदियों को मारा जाता था, बहुत बुरी तरीके से उनको इस जेल में रखा जाता था। ये है फ्लॉगिंग फ्रेम, देखिए पैरों से भी पकड़ के रखा गया और ऊपर से भी बांध, इधर से भी बांध कर रखा गया, कहा कि सीधे हाथ खड़े कर रखो, मारते थे इस तरीके से। तो जो कैदी होते थे ना, उनको सबसे पहले अलग अलग तरीकों से बांध कर रखा जाता था। ये है क्रॉस बार फैटर्स, इस तरीके की चीज़ होती थी, ये बार फैटर्स है। क्रॉस बार फैटर्स में नीचे का भी बंदा होता था, बार फैटर्स में नीचे का बंदा नहीं होता था। जो चेन सेटर्स है, ये चेन से बने हुए हैं। और ये जो है, ये है पनिशमेंट ड्रेस, पनिशमेंट इसमें दी जाती थी ना, एक तरह की बोरी नहीं होती उस तरीके से। ये मॉडल्स को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया, बट जो पहले के टाइम में इन्हें पनिशमेंट मिलती थी, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये सारा आप जो देख रहे हैं ना बिल्डिंग्स, ये सारी सेल की एरिया, एक एक जगह के अंदर ना, एक एक सेल के अंदर कैदियों को रखा जाता था। ये मैं सेल के अंदर जा रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा सेल है, और बस ये एक जगह है, यहाँ से थोड़ा सा बाहर देख सकते हैं, और डोर कुछ इस टाइप से होता था। देखिए डोर कुछ इस टाइप से होता था, बंद हो जाता था, बहुत छोटा सा गेट है, पतला सा, ऐसे ये बना हुआ ना, सीधा कर देते थे बंद, इसके अंदर से जाता था और बंद हो जाता था। ऐसे यहाँ पे सेल्स ही सेल्स हैं सारे, मतलब उसी तरीके के जो मैंने आपको दिखाए यहाँ पे। पहले यहाँ पे कैदी रहते थे, और अब देखिए यहाँ पे इतने ज़्यादा टूरिस्ट, क्योंकि हमारे भारत की फ्रीडम स्ट्रगल का हिस्सा रहा है ये जगह, तो इसलिए ये एक नेशनल मेमोरियल है। पहले इसको ऐसे कर देते थे बंद, ये थोड़ा सा इसको पीछे करना पड़ेगा, इस तरीके से पीछे कर दिया, और ये खींचो खींचो खींचो, ये बंद हो गया। इधर से इन्होंने ताला लगा दिया, तो देखिए इधर से कैसे कोई खोल सकता है। अगर यहाँ पे ताला लगा भी हो तो कुछ वो अटेम्प्ट कर सकता है ना खोलने का, लेकिन ताला यहाँ पे है, हाथ यहाँ से कैसे आएगा नीचे से। तो इस तरीके से ना बहुत ही, यहाँ से एस्केप करना भी बहुत मुश्किल था। मैं जेल के अंदर बंद होने वाला हूँ। अब देखिए यहाँ से मेरा हाथ पहुंच ही नहीं रहा, मैं कैसे खोलूंगा इसको बताओ। बाहर निकलने का कोई तरीका ही नहीं है जेल से, देख सकते हैं आप। कितना दूर से लॉक किया जाता था, लॉक करने के बाद जो फ्रीडम फाइटर सेल के अंदर होते थे उनके हाथ में चाबी देते थे कि ताला खोलो तुम जा सकते हो, इम्पॉसिबल था इसका कोई ताला खोल सके। वहां से लेके यहाँ तक हाथ नहीं पहुंचे। साइड में जो बॉक्स बनाया गया वहां से इनको खाना दिया गया। और सेल के बारे में बताया जाए तो सेल का अंदर का डायमेंशन मैंने आपको बताया था 13.5 x 7.5, 13.5 × 7.5। एक सेल में एक जन को रखते थे, सेल के अंदर कोई लाइट का फैसिलिटी नहीं था। और कहा जाता है कि उस समय सेल के अंदर में सोने के लिए हर सेल में ये लोग एक लकड़ी का बेड देते थे, वुडन बेड। इसका हाइट काफी कम होता था लेकिन इसका वेट बहुत ज्यादा, करीबन 60 to 70 हैवी बेड केजी का। इतना हैवी बेड देने का रीजन ये है कि इन केस कोई गार्ड उसको चेक करने के लिए सेल के अंदर में जाए तो उसको वेपन के रूप में यूज ना कर सके, उठा के किसी को मार ना सके, सरकाना भी मुश्किल। खाना खाने के लिए लोहे का बर्तन देते थे, आयरन प्लेट्स।
एक तो खाना बे टाइम में दिया जाता तो दूसरा गरम गरम, फ्रीडम फाइटर ये सोचे कि इसको ठंडा करके भूख लगने पर खाए, पॉसिबल नहीं। आयरन को उसमें खाना बहुत जल्दी रिएक्ट होकर खराब हो जाएगा, पॉइजन हो जाएगा। आज भी हम लोग खाना खाते तो स्टील या फाइबर का प्लेट, लोहे का बर्तन, दिन भर काम करने के बावजूद पीने के लिए इनको हाफ लीटर का एक पॉट पानी मिलता था, 24 घंटे में आधा लीटर पानी, और नहाने के लिए 3 पॉट भर के समुद्र का पानी, सी वाटर देता है। एक तो गर्मी में काम कराते थे, बदन पे पूरा राशद होता था, नमक पानी से नहाने पर इनका बदन और ज्यादा जलता, तो इनको नहाने से भी डर लगता। अभी यहाँ से हम लोग अंदर चलेंगे जहाँ पे जेल का एक रिप्लिका मॉडल दिखाया जाएगा, उसके बाद ध्यान में रखिएगा जब लौटने के टाइम आप लोग नीचे आएंगे, ठीक है? तो वर्कशॉप के पीछे में देखिए डोर खुला हुआ आपको दिख रहा है, वो जो है ओल्डन डेज गैलरी है जिसमें 100 ईयर्स बैक ऑफ दिस आइलैंड के कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है, रेयर कलेक्शन है जो ब्रिटिश गैलरी से कलेक्ट करके लगाए गए। सबसे ज्यादा फोटो उसमें अंडमान का पहला जेल वाइपर का रखा गया है, उसके बाद रॉस आइलैंड का फोटोग्राफ है, फ्रीडम फाइटर को काम करता हुआ भी दिखाया गया, जो लौटते वक्त सेक्शन को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे। ये जो जेल की सरफेस है ये भी ईंटों से बनी हुई है, ये वाली दीवारें भी ईंटों से बनी है, ऊपर वाली दीवारें भी ईंटों से बनी है, और इधर भी दीवारें ईंटों से बनी, हरा ईंटों से बनाया गया है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यही सेंट्रल टावर है, विंग में सिर्फ 3 विंग बचा हुआ जिसको आप देख सकते हैं, 1 नंबर है, 7 नंबर है, बैक साइड में आपको 6 नंबर दिख रहा है, बाकी के 4 विंग डैमेज होकर हॉस्पिटल बन गया, जब सेंट्रल टावर जाएंगे तो बैक साइड में दिखेगा आपको हॉस्पिटल। और इस जेल में सबसे ज्यादा फ्रीडम फाइटर मैंने आप लोगों को बताया था बंगाल के थे, उसके बाद पंजाब, महाराष्ट्र, आसाम, इनका नाम जो है लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ऊपर देखेंगे। और इस जेल में सबसे पॉपुलर थी मैंने आपको बताया विनायक दामोदर सावरकर जी, सावरकर जी को 50 साल का सजा देने का रीजन, सावरकर जी जो है लंदन में अपना बैरिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे, तो वकालत का पढ़ाई करने के टाइम सावरकर जी ने क्या किया, एक रशियन लैंग्वेज में बुक था बम बनाने का, उसको मराठी में ट्रांसलेट करके इंडिया में, उसे इंडिया में बम बनाया गया, काफी जगह पे विस्फोट किया गया, अंग्रेजों का बहुत सारा चीज नुकसान हुआ, जिसके लिए सावरकर जी को 25 साल का सजा मिला, 25 ईयर्स का। और एक 25 साल का सजा देने का रीजन, बुक के अंदर में पेपर को काट के उसके अंदर एक पिस्टल रख के सप्लाई किया, जिसके लिए 25 साल, तो 25-25 मिलाकर 50 साल। अरेस्ट करे थे लंदन में, एक जहाज में बैठा के लेकर थे, जहाज का नाम था SS मोरे, उस जहाज में लेके आते वक्त जहाज जब फ्रांस में मार्सेलिस पोर्ट के वहां पे कुछ देर के लिए रुका हुआ था, तो सावरकर जी उस जहाज से कूद के स्विमिंग करके भाग गए थे। तो बहुत लोगों ने हिस्ट्री ऐसे सुना है ये जेल से कोई कूद के स्विमिंग करके भाग, बुक्स में भी ऐसे लिखा गया जो टोटली गलत है, ये जेल से कोई नहीं भाग सका, वापस अरेस्ट किया गया, यहाँ पे लाया गया विंग नंबर 7 का सबसे आखिरी वाला सेल में सावरकर जी को 10 साल के लिए रखा गया, 1911 से 1921 के बाद सावरकर जी को वापस महाराष्ट्र भेज दिया गया था रत्नागिरी जेल, और काफी दिन तक सावरकर जी को इनके घर पे नजर बंद करके रखा गया होम अरेस्ट। सावरकर जी का डेथ इंडिपेंडेंस के बाद में 1966 में हुआ, आजादी के बाद। अभी सावरकर जी का सेल में उनका लिखा गया कविता कमला काव्य, सोने के लिए किस तरह का बेड, खाने पीने के लिए किस तरह का बर्तन, ये सब का एक मॉडल रखा गया, ओरिजिनल नहीं जस्ट एक मॉडल है। और सेल का डिफरेंस बोलने से सावरकर जी का सेल के कॉरिडोर को भी अलग से ग्रिल डाल के बंद किया गया था, डबल गेटेड बनाया गया, इसीलिए क्योंकि डे टाइम में उनको बाहर रखते थे ताकि वहां से खड़ा होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सके, मेंटली टॉर्चर के लिए ऐसा रखा गया, ठीक है? अभी इसके अंदर आएंगे जहां पे जेल का मॉडल रखा गया, इसको देखिए, ये बड़ा वाला जेल भी है यहाँ पे, इसको तो ऐसे ही बंद कर देते थे, ये यहीं से ताला लगा देते, इसी जेल की बात कर रहा था, मतलब कोई अटेम्प्ट कर सकता है ना कि खोलने का, लेकिन दूसरे वालों में अटेम्प्ट नहीं कर सकता। अब हम वॉच टावर के पास में जा रहे हैं जहाँ से सारे कैदियों के ऊपर नज़र रखते थे, ये देखिए बड़ी पुरानी बिल्डिंग है ये वाली, सेलर जेल का मॉडल देखिए कितना बड़ा है, यहाँ पे ये सेलर जेल है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिएगा यही सेलर जेल का रेप्लिका मॉडल है, इसी प्रकार से जेल को बनाया गया, मैंने आपको बताया टोटल 7 विंग, क्लॉकवाइज काउंटिंग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, अभी सिर्फ 1 7 और 6 बचा हुआ, सेलर टावर बचा हुआ। मॉडल में आपको दिख रहा है किसी विंग्स को बड़ा बनाया गया, किसी विंग्स को छोटा बनाया गया, उसका रीजन ये है कि इसके बैक साइड में सी है, समुद्र, जिसके वजह से विंग्स को छोटा किया गया, जिस आकार में जमीन मिला उसी आकार से जेल का निर्माण किया। विंग नंबर 7 में सबसे लास्ट सेल 123 विनायक दामोदर सावरकर जी का सेल है, जब सावरकर जी का 10 साल का पीरियड था तो इनके नक्शे कदम पे चलकर इनका भाई गणेश दामोदर सावरकर जी भी इसी जेल में सजा काट गए, दोनों भाई एक ही जेल में, लेकिन दोनों भाइयों को आपस में 2 साल के बाद पता चला, इस तक कम्युनिकेशन गैप, एक दूसरे को देखना बात करना सबके लिए पनिशमेंट हुआ, ठीक है? और जब आप लोग सेल देखने चलेंगे तो हर एक विंग का जो रो शुरू होगा उसका पहला सेल आप लोगों को थोड़ा बड़ा मिलेगा, पहला सेल को जो है गार्ड सेल बोलते हैं, यानी कि एक गार्ड यहाँ पे आराम करता था, एक गार्ड यहाँ पे स्टैंड होकर ड्यूटी करता था, इनका शिफ्टिंग ड्यूटी जो है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो सके बोल के पहला सेल गार्ड लोगों को आराम करने के लिए बनाया गया।
तो आप भी यहाँ खड़ा होकर देखेंगे तो पूरा रो को आराम से खड़ा होकर देख सकते हैं। ठीक है, तो एक विंग में सिर्फ 3 गार्ड लगते थे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। मैंने आपको बताया 7 विंग, 3 × 7 कर दीजिए 21 गार्ड जोर में। वॉच टावर में 2 गार्ड यानी कि 700 लोगों को देखने के लिए सिर्फ 23 गार्ड का जरूरत है, 23 गार्ड सफिशियंट, पूरा जेल को आराम से वॉच कर सकते। ठीक है, और यहाँ पे सावरकर जी का सर मैंने आपको बताया कॉरिडोर को अलग से लॉक करने का रीजन, क्योंकि गेट में उनको बाहर रखते थे, वहां से खड़ा होकर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट को देख सकते थे। आप भी वहां खड़ा होकर देखेंगे तो आपको वहां से फांसी कर दिखेगा, वर्कशर्ट दिखेगा और प्लॉगिंग फ्रेम में जो मार पड़ता था सारा चीज खड़ा होकर देख सकता। मेंटली टॉर्चर के लिए ये सेल को ऐसा रखा है। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे अनसीन हीरोज बहुत सारे हैं जिनका नाम आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी नहीं कहीं सुना भी नहीं। जैसे महावीर सिंह जी के बारे में बताया जाए तो भगत सिंह के साथी थे, उनको भी इस जेल में लाया गया, हंगर स्ट्राइक करे, भूख हड़ताल करे अंग्रेजों के खिलाफ में, इनको जबरदस्ती 2-4 गार्ड्स पकड़ के इनके नाक में ट्यूब डाल के इनको दूध पिलाया गया, जिसमें दूध जो इनके लंग्स में जाने का इनको ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में असुविधा, उसमें यहीं पर शहीद हो गए। तो उनको एक बस्ते पे डाल के पत्थर डाल के समुद्र में फेंक दिया। ठीक है, पंडित राम रासा जी के बारे में बताया जाए तो पंडित लोग जो गले पे एक धागा डालते जिसे जनाऊ कहा जाता है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको बांधने से मना करा तो उसने सेल के अंदर में अपने क्लोथ को फाड़ के वेंटिलेशन से बांध के अपना आपको हैंग कर दिया। ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स इस जेल में शहीद हुए। तो यहाँ से ऊपर चलेंगे, ये मेरा लास्ट एक्सप्लेन है, यहाँ से ऊपर चलेंगे आपको पहला सेल गार्ड सेल में दिखाऊंगा, एक सेल को लॉक करके भी दिखाऊंगा, इसका लॉकिंग को मैंने आपको बताया तो ध्यान से देखना, लॉक करके दिखाऊंगा। लास्ट कमरा सावरकर जी का देखने के बाद जब वापस लौटेंगे तो सेंट्रल टावर में आपको लिस्ट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स मिलेगी। सेंट्रल टावर से आप विंग नंबर 6 का अंदर से जाकर बैक साइड में समुद्र देख सकते हैं, फोटोग्राफी की लोकेशन है, जो लोग जाना चाहे जा सकते हैं। जिनके साथ में छोटे बच्चे हैं इनका हाथ पकड़ के रखें क्योंकि ओपन टेरेस है, साइड में कोई गार्ड रेल नहीं। विंग से सेंट्रल टावर जाने का बीच का जो रास्ता है वो लकड़ी का है, वुडन प्लाइंग है। जब इतना बड़ा जेल ईंट से बना सकता तो उसको भी तो ज्वाइन कर सकता था लेकिन नहीं किया गया। उसका रीजन क्या बोले थे, उस समय अगर उसको ईंट से ज्वाइन करता, कॉन्क्रीट करता, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता था, भूकंप। इनके साथ क्योंकि में सेंट्रल टावर हिलेगा तो एक साथ 7 का 7 विंग को लेके गिर जाएगा। लकड़ी का बना के शॉकर का काम करेगा, बेंडो का टूट जाएगा, चाहे तो लोग प्लांट को चेंज कर लो, इसीलिए बीच का जॉइंट लकड़ी का। क्रॉस होने के टाइम ध्यान से देखे जाए, यहाँ से ऊपर चलेंगे आगे से डोर छोटा मिलेगा, चढ़ने के टाइम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखते जाइए, पूरा जेल का जो स्ट्रक्चर सीढ़ी वगैरह सब ओरिजिनल उस समय। ठीक है, आपको वीर सावरकर की सेल सेकंड फ्लोर पर देखने को मिलेगी, वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, फिर सेकंड फ्लोर दिखाते हैं। इधर भी सारे वही सारे सेल्स हैं जैसे नीचे आपने देखे थे, कोई लिफ्ट वगैरह नहीं लगी यहाँ अभी। ये सबके नाम लिखे हुए हैं, पॉलिटिकल इंटरनीज इनकार्गनेटेड इन सेलुलर जेल पंजाब से, ये सारे थे, सबके नाम लिखे हुए हैं। ये सारे बिहार से थे और ये सारे महाराष्ट्र थे, पंजाब से ये थे, बंगाल से ये थे, सबके नाम लिखे हैं मैं। ये वो मैंने नीचे आपको दिखाया नहीं था कि पैरों से इसमें बंद कर देंगे और ऊपर से भी यहाँ से इसके अंदर आपका हाथ डाल के लॉक सा कर देंगे, फिर पीछे से मारा जाता था उन्हें। पुराने टाइम का है ना, तो उसके अंदर जाता था फिर एक तरीके से लॉक हो जाता था। तो ये दूसरे टाइप का सेल बनाया हुआ है। अच्छा, मतलब ये भी सेम उसी तरीके के हैं, बस पेंट करा गया है ना, सेम वही तरीके के यहाँ पे सेल्स हैं। काफ़ी पुराने हैं ना, तो अच्छी कंडीशन में नहीं है ज़्यादा। बहुत बड़ा ही जेल है, इतना बड़ा जेल, इतना बड़ा जेल। एक्चुअली मैं पहली बार भी किसी जेल के अंदर आया हूँ अब समझ ही सकते हैं क्यों, आजकल के टाइम में चलता नहीं है। कुछ बड़े पुराने जेल हैं जो काफ़ी लंबे समय से चलते आए हैं, लेकिन इस वाले जेल को नेशनल मेमोरियल की तरह आज के टाइम में रखा गया। सामने में जो फोटो गैलरी आपने देखा उस समय वहाँ पे फोटो गैलरी नहीं था, तो सारे फोटोग्राफ्स यहाँ पे लगाया जाता था, लेकिन बारिश के कारण फोटो खराब हो रहा था, बोल के उसको अभी शिफ्ट करके वहाँ म्यूजियम बना दिया, यहाँ से फोटो हटा दिए, ये बाद में लगाया। ठीक है, तो लास्ट कमरा देख रहे ताला यहाँ पे मारेंगे, चाबी देने से भी खोल के नहीं जा सकता, हाथ नहीं पहुंचे, खाना यहाँ से दिया जाता। तो अब हम आपको वीर सावरकर का सेल दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें रखा जाता था। थोड़ा आगे तक चलना होगा सेकंड फ्लोर पे, पक्की जमीन से बनाई हुई है। तो अब हम आ गए हैं वीर सावरकर की कोठरी, वीर सावरकर सेल। जूते होता है
1911 से लेकर 1921 तक विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता वीर को यहाँ पे इम्प्रेजन किया गया था। ये शायद उनका बेड हुआ करता था और इसके अंदर वो शायद खाते थे, पता नहीं। एक तरह से मतलब डबल जेल कह सकते हो इसे, और इधर से नीचे एस्केप करना इसलिए मुश्किल है। वो देखिए कितना आगे तक है और ऊपर से सेकंड फ्लोर पे है, एकदम कोने पे है वीर सावरकर सेल। तो अभी मैं सेकंड फ्लोर पे ही हूँ और एक तरह का यहाँ से टेरेस दिख रहा है, पीछे समुद्र ही समुद्र है। और ये जो आप सामने जितने भी सेल्स वगैरह ना, इनके ऊपर ये जो सबसे टॉप वाली जगह है ना, ये भी बंद कर दी गई है, इसका काम चल रहा है फिलहाल, शायद इनको लगाया जाएगा। ये सारा टेरेस है, आप व्यू देख सकते हैं, अलग अलग आइलैंड्स यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। ये सारे इधर सेल्स हैं, इधर से ऊपर जाने का रास्ता था, बट यहाँ लिखा है रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस, इनकन्वीनियंस कॉस्ट इस रिग्रेटेड। तो इधर से ऊपर जा नहीं सकते फिलहाल, तो एक तरह से वॉच टावर सा बनाया हुआ इन्होंने। तो जैसे पहले 7 ब्लॉक हुआ करते थे ना, ऐसे 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 करके, फिर यहाँ पे ना भूकंप वगैरह आया, जिससे ना कई ब्लॉक्स अभी नहीं हैं। आई थिंक 3-4 ब्लॉक्स ही हैं जो अभी के टाइम यहाँ पे हैं। और एक और ये चीज़ भी कही जाती है कि जो यहाँ पे प्रिजनर रहते थे, उन्हें जो खाना दिया जाता था, बहुत ही बेकार खाना दिया जाता था। तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वीर सावरकर पार्क दिखाने, यहाँ पे इनकी स्टैचू मूर्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं। विनायक दामोदर सावरकर, ये सामने सेलर जेल है, और इधर यहाँ पे ये फाउंटेन वगैरह भी चलते हैं इस पार्क में। ये इंदु भूषण रॉय, उसके बाद आगे हैं बाबा भान सिंह। पंजाब और बंगाल के सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रिजनर्स हुआ करते थे, पंडित राम रखावली। फिर आगे महावीर सिंह, उसके बाद यहाँ आगे है मोहन किशोर नामदास, और लास्ट में यहाँ पे है मोहित मोहित्रा। ये सेलुलर जेल लाइट एंड साउंड शो 3-4 बार होता है एक दिन में, कुल 3 बार होता है, और 5:50, फिर 6:50, फिर 7:50 पे होता है। हर एक घंटे बाद हिंदी का शो होता है, और 300 रुपीज़ एडल्ट के चार्जेस हैं, और जो 5 से लेकर 11 साल के बच्चे हैं उनकी 150 रुपये की टिकट है। आप बाकी सारे देख सकते हैं जो भी जानकारी वगैरह यहाँ पे लिखी हुई है। जल्द ही बगावत की लतों की तपिश शांत पड़े अंडमान द्वीप समूह पर पड़ने वाली थी। आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैदखाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency Governor General ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाए जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने
1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। इधर से कोई भागने को नहीं सकता, यह सब तरफ 1000 miles तक पानी है। 24 दिसंबर 1910 से 30 दिसंबर 1960 तक विल सावरकर, तुमको दो बार का उम्र कैद का सजा मिला है। 50 बरस बाद सरकार तुमको छोड़ देगा। मिस्टर बेरी, तुम्हें विश्वास है कि तुम और तुम्हारी सरकार 50 बरस यहां रह पाएगी? तुमको बुलाया गया। सुनो मिस्टर ओलास्कर, हम जानते हैं तुम अपने मुल्क आजादी के वास्ते ये करता, हम तुम्हारा काम को ठीक नहीं समझता, लेकिन तुम अभी जवान है, एक दिन अपना सजा पूरा करके वापस अपना मुल्क जाएगा, तब अपना हाथ से जान क्यों लेता? क्या तुम डरपोक है? हम अपना सीनियर ऑफिसर का हुक्म नहीं बदल सकता। सालिमो, तुम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हम मर सकते हैं और चुप कर नहीं रह सकते। हमें ऑर्डर मिला है तुम्हें दूध पिलाने का। चलो जमादार, पकड़ो इसे। कलाम जिंदाबाद। हम अंडमान द्वीप समूह अब काला पानी के खौफनाक नाम से नहीं जाना जाता, लेकिन ये सारी तकलीफें जो आजादी के प्रेमियों ने यहां झेली, वो सारी कुर्बानियां जो देशभक्त वीरों ने यहां दी, आज भी देशवासियों के दिलो दिमाग पर छपी हुई है। इसीलिए अंडमान के भूतपूर्व राजनीतिक बंदियों के भ्रातृत्व मंडल की इच्छा को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1969 को घोषणा की कि सेलुलर जेल को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा। भारत की आजादी के दीवानों ने जो अमानवीय यातनाएं इस कारागार में सही, ताकि भारतवर्ष आजादी की उन मुक्त हवाओं में सांस ले सके, उन बलिदानों को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं पाए।